हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो कैमरा को हैक होने से बचा सकते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ओके गाइस, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। इससे होगा ताकि फ्यूचर में आने वाली काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ आप मेरी देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच पॉइंट बताने वाला हूँ जो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कैमरा को बेसिकली हैक होने से बचा सकते हो। आपको खुद को पता होगा कि अगर आपका कैमरा हैक हो जाता है तो आपको चीज़ खुद नहीं पता चलेगी कि मेरा कैमरा हैक हो गया, और आप अपने फ़ोन को कहीं भी रखोगे या फिर कहीं पर भी लेके जाओगे तो सामने वाला बंदा आपके कैमरे को एक्सेस कर सकता है और सारी वीडियो जो है वो बेसिकली देख सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से गलत बात होगी। तो हैक होने से पहले ही हम कुछ ऐसी देख लेते हैं कि किस तरीके से कैमरा हैक हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे बात करूं तो आपको फायरवॉल को इनेबल कर देना है। बेसिकली फायरवॉल क्या करता है, अगर कोई भी सस्पिशियस कनेक्शन अगर उसमें एक्सेप्ट होने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो उसको कनेक्ट नहीं होने देगा। क्योंकि बहुत बार चीज़ें ऐसी होती है कि अगर कोई भी दूसरा कनेक्शन बेसिकली कनेक्ट होना चाहता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो बेसिकली वो जैसे ही कनेक्ट होगा उसमें बेसिकली वो किसी ना किसी तरीके से कैमरा की परमिशन ले लेता है, और परमिशन लेने के बाद आपका कैमरा बेसिकली हैक हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है वो करना है फायरवॉल को इनेबल कर देना। उससे मोस्ट ऑफ द हैकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उससे हम बची जा सकती है, आप कोई भी ऐसे सस्पिशियस कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होगे। और अब दूसरी चीज़ की आपसे बात करूँ तो वो आता है एंटीवायरस। बेसिकली एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होना या फिर फ़ोन में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंटीवायरस एक ऐसा काम करता है कि अगर कोई भी अगर एप्लीकेशन हम थर्ड पार्टी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर बता देगा कि इसके अंदर वायरस है या फिर क्या चीज़ें नहीं है। हम बेसिकली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हमारे यूज़ के लिए और उसको ओपन करते तो हम वहाँ पर सारे एक्सेस उसको दे देते, बट उसके अंदर बाइंड करके एक जो है वो हैकिंग का एप्लीकेशन होता है। बट जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को सारी परमिशन दे दी, आपके कॉल रिकॉर्डिंग, आपके कैमरे के एक्सेस दे दी, आपके गैलरी के एक्सेस दे दी, बट स्टिल उसके अंदर मलिशियस एप्लीकेशन छुपा होता है वो हमको नहीं पता होता है। बट स्टिल हमको क्या लगता है, हमारा काम हो रहा है इस एप्लीकेशन से तो हम उस एप्लीकेशन को रखते हैं। बट स्टिल जैसे ही जितनी बार भी हम अगर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उतनी बार वो आपके कैमरा को, आपकी गैलरी को, सारी चीज़ों को बेसिकली एक्सेस कर लेगा। तो एंटीवायरस का होना आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको केयरफुली आपके कैमरा को बेसिकली टर्न ऑन करना है। आपके अगर जब भी अगर कोई चीज़ें होगी ज़रूरत की तो तभी उसी एप्लीकेशन को आप अलाउ करो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन है, समझो अगर कोई कॉलिंग का एप्लीकेशन है, बेसिकली वो भी मांगता है अगर हमसे कभी कभी कि आपका कैमरा को भी एक्सेस करे। बट स्टिल अगर वो कॉलिंग है तो वो कैमरा एक्सेस क्यों मांगेगा। हम क्या करते हैं, घाई घाई में सारी चीज़ों को एक्सेस दे देते उसको। हम ये नहीं सोचते कि एप्लीकेशन कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग का एप्लीकेशन बेसिकली कैमरा एक्सेस क्यों मांग रहा है, ये कॉलिंग का बेसिकली एप्लीकेशन ये गैलरी की एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, हम ये चीज़ कभी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, फटाफट से बेसिकली सारी चीज़ें अलाउ करते हैं और उतना ही ज़्यादा हमारा डेटा बेसिकली उस हैकर के पास चले जाते हैं। तो कभी भी अगर आप ये सारी चीज़ें करो तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रख के करो तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आप अपने कैमरा को हैक होने से बचा सकते हो। चौथी चीज़ की अगर आपसे बात करूँ तो बी अवेयर ऑफ फिशिंग ट्रैप्स। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे लोग जो है वो मैलिशियस एप्लीकेशन की लिंक क्रिएट करके आपको सेंड करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, मेटल एक्सप्लॉइट यूज़ होता है। अब उसमें एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है जो कि बेसिकली एक मैलिशियस एप्लीकेशन होता है, वो किसी भी ऐप के अंदर बाइंड करके या फिर आपको ऐसी भी लिंक भेजी जा सकती है बेसिकली आपके इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी, कि ये एप्लीकेशन अर्निंग वाली एप्लीकेशन है, आप इसको ओपन करो। बेसिकली जैसे आप ओपन करोगे तो बेसिकली वो एक अपडेट का एप्लीकेशन होगा। आप सोचोगे अपडेट का ही ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे आप इंस्टॉल कर दोगे और आप उसको सारी परमिशन दे दोगे तो आपकी सारी चीज़ें बेसिकली हैक हो जाती है। तो ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप ना इंस्टॉल करो पहली बात तो, और दूसरी बात तो कोई भी ऐसी अगर ऐप की लिंक आती है किसी को भी अगर आपको कोई भेजता है तो भी आप उस ऐप को डाउनलोड मत करो। तो ये सारी चीज़ आपको बचे रहना है। इसके बाद आप जो है वो अपने कैमरा को बेसिकली सिक्योर रख सकते हैं, अपने फ़ोन को बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आप सिक्योर रख सकते हैं। अब वो जो पाँचवीं चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे सर भी ये चीज़ यूज़ करते हैं और मार्क जुकरबर्ग भी यूज़ करते हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपके कैमरा पे अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में तो नहीं कर सकते, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके लैपटॉप के आपके जो माइक कैमरा होता है उसके ऊपर आप जो है वो कुछ चीज़ चिपका दो और आप माइक पे भी चिपका दो। बेसिकली अगर कितने भी मलेशियस लिंक्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है आना, वो आपका कैमरा एक्सेस करेगा ना ही माइक से कुछ चीज़ भी वो बेसिकली सुन पाएगा। तो ये सारे कुछ स्टेप्स है, पाँच स्टेप, आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आई होप कि आपका कैमरा, आपका फ़ोन कभी भी यहाँ पर हैक नहीं होने वाला है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।